नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। गल्ला मंडी के पीछे बने बाईपास ललितपुर पर कार और बाइक की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत एवं दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस एवं एम्बुलेंस वाहन पहुंचा। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कर दिया तथा दो गंभीर घायलों को झांसी रेफर कर दिया गया। मृतक एवं घायल झुकपुरा ललितपुर के बताए जा रहे हैं। घटना का कारण तीव्र गति से बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह सुबह 7 बजे के दौरान ललितपुर हाईवे पर मन्नू पेट्रोल पंप के निकट झांसी की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृत व्यक्तियों के नाम दिनेश उम्र 40 वर्ष और सुमित अहरवार निवासी गण कोतवाली ललितपुर मोहल्ला जुगपुरा बताए जा रहे हैं। वहीं गंभीर घायलों के नाम दीपक उम्र 27 वर्ष और पूरन उम्र 25 वर्ष निवासी जुगपुरा ललितपुर बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सुबह सुबह अचानक घटी इस घटना से आसपास एवं मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय। आपको बताऊँ, बड़ी दुखद खबर आ रही है ललितपुर के नेत्र हाईवे पर। फोर व्हीलर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि चारों मजदूर थे, मजदूरी करने जा रहे थे, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? सर, क्या घटना घट गई है? हाँ, अभी इमरजेंसी में 4 व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाया गया था, जिसमें परीक्षा उपरांत 2 को मृत घोषित कर दिया गया है। 1 की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उसको प्राथमिक उपचार पश्चात मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया तथा 1 को यहाँ पर मेडिकल। कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? जैसे वो लोग मजदूरी के लिए जा रहे, घर से सवेरे मजदूरी के लिए निकले, 4 लोग थे जो लोग इधर हाईवे पे पहुंचे। किसी वाहन ने, सुनने में आ रहा है कोई डिजायर है, उसने टक्कर मारी, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और 2 लोगों की इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। वो झांसी के लिए रेफरिंग की उनकी व्यवस्था की जा रही है। कहाँ के हैं ये लोग? कहाँ? एक तो जुगपुरा निवासी है जो खत्म हो गया, और दूसरा भी जुगपुरा का है। एक दिनेश राजा है, शटरिंग का काम करते थे ये लोग। तो इन लोगों की 2 की तो मौके पर मौत हो गई और परिवार वालों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।